हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ हरियाणा एजुसेट चैनल की ऑनलाइन क्लासेस में। टुडे वी विल डिस्कस क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स पार्ट 4। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज इन दिस पार्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स आर ऑल्सो डिस्कस्ड। अर्लियर We have already discussed about concepts of biomicromolecules, biomacromolecules, and enzymes. Now let's start. आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स हैं रिकैपिचुलेट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स एंड बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बायोमोलिक्यूल्स। बच्चों, इस लेक्चर द्वारा हम आज बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स और बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे तथा साथ ही साथ हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। आइए कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। द एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यूज एंड नॉन लिविंग मैटर अपीयर आल्सो टू बी सिमिलर व्हेन एनालाइज्ड क्वालिटेटिवली। ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन ए सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। बच्चों, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग मैटर जैसे मिट्टी, सेम एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि से मिलकर बने होते हैं, परंतु इनकी मात्रा लिविंग टिश्यू और नॉन लिविंग मैटर में अलग अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 1, विच थ्री एलिमेंट्स आर प्रेजेंट रिलेटिवली एबंडेंट इन लिविंग सिस्टम एज कंपेयर टू इनएनिमेट मैटर। आंसर, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज रिलेटिवली अबंडेंट इन लिविंग सिस्टम्स एज कंपेयर टू इनएनिमेट मैटर। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिविंग सिस्टम में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आप इस टेबल में देख सकते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ह्यूमन बॉडी में अर्थ क्रस्ट के अपेक्षा काफ़ी अधिक मात्रा में प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव बोथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स। मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज वाटर। परसेंटेज ऑफ वाटर इन लिविंग बींग्स यूजुअली इन एनिमल्स इज अबाउट द 60-70%। डियर स्टूडेंट्स, सभी जीवों में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बनिक यौगिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स, या हम कह सकते हैं अकार्बनिक यौगिक और तत्व पाए जाते हैं। जीवों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला केमिकल वाटर या जल होता है। जंतुओं के शरीर में 60-70% तक वाटर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एज शोन इन टेबल, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स लाइक सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक वाटर, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट एंड सल्फेट आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बच्चों, जीवों में सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे अकार्बनिक तत्व पाए जाते हैं तथा साथ ही साथ वाटर या जल, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट और सल्फेट जैसे अकार्बनिक यौगिक भी मिलते हैं। की पॉइंट्स आर,
द कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनिजम्स एंड आर एसेंशियल टू ए बायोलॉजिकल प्रोसेस आर कॉल्ड बायोमोलिकूल्स। बायोमोलिकूल्स इंक्लूड प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स एट्सेट्रा। बच्चों, जीवों द्वारा बनाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक जैविक प्रक्रियाओं में बहुत आवश्यक होते हैं, इन्हें हम बायोमोलिकूल्स कहते हैं। बायोमोलिकूल्स के उदाहरण हैं जैसे प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एट्सेट्रा। इनके अलावा एमिनो एसिड्स, ग्लूकोज, न्यूक्लियोटाइड्स, फैटी एसिड्स, ये भी बायोमोलिकूल्स के ही उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोमोलिकूल्स एंड बायोमैक्रोमोलिकूल्स। आंसर, कंपाउंड्स विच हैव मोलिकुलर वेट्स लेस देन 1000 डाल्टन आर यूजुअली रेफर्ड टू एज माइक्रोमोलिकूल्स और सिंपली बायोमोलिकूल्स। वाइल पॉलीमर्स हैविंग मोलिकुलर वेट 10,000 डाल्टन और अबव आर कॉल्ड मैक्रोमोलिकूल्स और बायोमैक्रोमोलिकूल्स। बच्चों, जिन यौगिकों का मोलिकुलर वेट 1000 डाल्टन से कम होता है उन्हें हम माइक्रोमोलिकूल्स या सिंपली बायोमोलिकूल्स कहते हैं, जबकि ऐसे पॉलीमर्स या कंपाउंड्स जिनका मोलिकुलर वेट 10,000 डाल्टन या उससे अधिक होता है उन्हें हम मैक्रोमोलिकूल्स या बायोमैक्रोमोलिकूल्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय एसिड सोल्युबल पूल एंड एसिड इनसोल्युबल फ्रैक्शन। आंसर, एसिड सोल्युबल पूल इज द फ्रैक्शन ऑफ द सेल्स कंपोनेंट्स विच आर सोल्युबल इन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, वाइल एसिड इनसोल्युबल फ्रैक्शन इज द फ्रैक्शन ऑफ द सेल्स कंपोनेंट्स विच आर इनसोल्युबल इन एसिड। बायोमैक्रोमोलिकूल्स लाइक प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स एंड लिपिड्स आर फाउंड इन द एसिड इनसोल्युबल फ्रैक्शन। डियर स्टूडेंट्स, लिविंग टिश्यू का केमिकल कंपोजिशन एनालिसिस करने के लिए हम टिश्यू को ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में ग्राइंड करते हैं तथा प्राप्त सलरी को चीज क्लोथ या कॉटन की मदद से छान लेते हैं। इससे हमें 2 फ्रैक्शंस मिलते हैं, एक फ्रैक्शन जो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिजोल्व होता है जिसे हम फिल्ट्रेट या एसिड सोल्यूबल पूल कहते हैं, और दूसरा फ्रैक्शन जो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिजोल्व नहीं होता इसे हम रिटेंटेड या एसिड इनसोल्युबल फ्रैक्शन कहते हैं। लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिकूल्स। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डू लिपिड्स हुज मोलिकुलर वेट्स डू नॉट एक्सीड 800 डाल्टन कम अंडर एसिड इनसोल्युबल फ्रैक्शन दैट इज मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन। बच्चों, लिपिड्स का मोलिकुलर वेट 800 डाल्टन से ज़्यादा नहीं होता, फिर भी ये इनसोल्युबल फ्रैक्शन मीन्स मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में आते हैं, ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर है, लिपिड्स आर इंडीड स्मॉल मोलिकुलर वेट कंपाउंड्स एंड आर प्रेजेंट नॉट ओनली एज सच बट ऑल्सो अरेंज्ड इनटू स्ट्रक्चर्स लाइक सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन्स। व्हेन वी ग्राइंड ए टिश्यू वी आर डिसरप्टिंग द सेल स्ट्रक्चर। सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन्स आर ब्रोकन इनटू पीसीज एंड फॉर्म वेसिकल्स विच आर नॉट वाटर सोल्युबल। देयरफॉर दीज मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स गेट सेपरेटेड अलोंग विद द एसिड इनसोल्युबल पूल एंड हेंस इन द मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन।
लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिकुल्स। बच्चों, लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन और दूसरी मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होते हैं और जब हम टिश्यू को ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में ग्राइंड करते हैं तो ये सेल स्ट्रक्चर्स टूट जाते हैं, जिससे सेल मेम्ब्रेन और दूसरी मेम्ब्रेन भी पीसीज में टूट जाती हैं और ये वेसिकल्स फॉर्मेशन करती हैं। ये वेसिकल्स वाटर में डिजोल्व नहीं होते और ये मेम्ब्रेन फ्रैगमेंट्स जो वेसिकल्स की फॉर्म में अलग हो जाते हैं, ये एसिड इनसोल्युबल पूल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम होता है। परंतु वेसिकल फॉर्मेशन की वजह से ये एसिड इनसोल्युबल पूल में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट की पॉइंट्स आर, एमिनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एन एमिनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द सेम कार्बन, दैट इज द अल्फा कार्बन, हैंस दे आर कॉल्ड अल्फा एमिनो एसिड्स। इन प्रोटीन्स 21 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स आर फाउंड। एमिनो एसिड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एमिनो ग्रुप तथा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं, जिसे अल्फा कार्बन कहते हैं। प्रोटीन्स 21 प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एन एमिनो एसिड विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। आंसर, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि अल्फा कार्बन एमिनो व कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से जुड़ा है, इसके अलावा एक आर ग्रुप प्रेजेंट है। डिफरेंट एमिनो एसिड्स वेरी इन हैविंग दिस आर ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस आर ग्रुप इज हाइड्रोजन देन एमिनो एसिड इज कॉल्ड ग्लाइसिन एंड सो ऑन। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आर, एमिनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक और बाइपोलर आयंस और ज्वीटर आयंस। एमिनो एसिड्स लिंक विद ईच अदर बाई पेप्टाइड बॉन्ड एंड लॉन्ग चेन्स आर कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड चेन्स। बच्चों, एमिनो एसिड्स एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से जुड़े हुए होते हैं और इस प्रकार जो चेन्स बनती हैं उन्हें हम पॉलीपेप्टाइड चेन्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एन एमिनो एसिड अंडर सर्टेन कंडीशंस वुड हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस साइमल्टेनियसली इन द सेम मॉलिक्यूल, सच ए फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड इज कॉल्ड ए पॉजिटिवली चार्ज्ड फॉर्म, बी नेगेटिवली चार्ज्ड फॉर्म, सी न्यूट्रल फॉर्म, डी ज्विटर आयनिक फॉर्म। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, दैट इज ज्विटर आयनिक फॉर्म। बच्चों, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, इस एमिनो एसिड की बी फॉर्म में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज प्रेजेंट हैं। इस प्रकार के आयंस को ही ज्विटर आयंस कहते हैं। अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द आर बॉडी व्हाइल एसेंशियल एमिनो एसिड्स कैन नॉट बी मेड बाय आर बॉडी, सो दे मस्ट बी प्रेजेंट इन आवर डाइट। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स ऐसे एमिनो एसिड्स होते हैं जिनको हमारी बॉडी बना सकती है, जबकि एसेंशियल एमिनो एसिड्स ऐसे एमिनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में नहीं बन सकते, इसलिए ये एमिनो एसिड हमारे भोजन में ज़रूर प्रेजेंट होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, आउट ऑफ 21 एमिनो एसिड्स फाउंड इन प्रोटीन्स, हाउ मैनी एमिनो एसिड्स आर कैटेगराइज्ड एज एसेंशियल। बच्चों,
प्रोटीन्स में 21 एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, जिनमें से कितने एमिनो एसिड्स को हम एसेंशियल एमिनो एसिड्स की कैटेगरी में रख सकते हैं? इसका उत्तर है, देयर आर 9 एमिनो एसिड्स विच आर कैटेगराइज्ड एज एसेंशियल एमिनो एसिड्स एंड दे इंक्लूड आइसोल्यूसिन, हिस्टिडीन, लाइसिन, ल्यूसिन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन एंड वेलिन। 9 एमिनो एसिड्स को हम एसेंशियल एमिनो एसिड्स की कैटेगरी में रखते हैं, जिनके नाम यहाँ दर्शाए गए हैं। नेक्स्ट की पॉइंट्स अबाउट प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स। दे आर लीनियर चेन्स ऑफ एमिनो एसिड्स लिंक्ड बाई पेप्टाइड बॉन्ड्स। इस प्रोटीन इज ए पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स। देयर आर 21 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स। बच्चों, प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं और ये पॉलीपेप्टाइड्स एमिनो एसिड्स के एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से जुड़ने से बनते हैं और सभी प्रोटीन्स एमिनो एसिड से ही बने हुए होते हैं, जो 21 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोटीन्स आर होमोपोलीमर्स और हेट्रोपोलीमर्स। आंसर, ईच प्रोटीन इज ए पोलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स एज देयर आर 21 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स। ए प्रोटीन इज ए हेट्रोपोलीमर एंड नॉट ए होमोपोलीमर। ए होमोपोलीमर हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर रिपीटिंग एन नंबर ऑफ टाइम्स। प्रोटीन्स एमिनो एसिड्स के बने हुए होते हैं और एमिनो एसिड्स 21 प्रकार के होते हैं, इसलिए प्रोटीन को हेट्रोपोलीमर कहते हैं। ये होमोपोलीमर नहीं होते, क्योंकि होमोपोलीमर में सभी मोनोमर्स एक ही प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रिप्सिन इज एन एंजाइम एंड इंसुलिन इज ए हॉर्मोन। Which type of bonds are present in them? A. Glycosidic bonds. B. Peptide bonds. C. Phosphodiester bonds. D. None of these. Answer: B. Peptide bonds. Trypsin and insulin both are proteins and made up of amino acids. एमिनो एसिड्स आर लिंक टू ईच अदर बाई पेप्टाइड बॉन्ड्स। डियर स्टूडेंट्स, ट्रिप्सिन और इंसुलिन दोनों ही प्रोटीन के बने हुए हैं और प्रोटीन्स में एमिनो एसिड्स एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, पेप्टाइड बॉन्ड्स। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। आंसर, कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड एंड इट अकाउंट्स फॉर अराउंड 30% ऑफ द टोटल प्रोटीन कंटेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ, इंटेग्रिटी एंड स्ट्रक्चर। बच्चों, एनिमल्स में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कोलेजन होता है, जो कि मानव शरीर में भी कुल प्रोटीन का लगभग 30% होता है और ये हमें स्ट्रेंथ, इंटेग्रिटी और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ द बायोस्फीयर। आंसर, रिबुलोज, बिसफोस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज और रूबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ द बायोस्फीयर। बच्चों, इस क्वेश्चन में जैव मंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले प्रोटीन के बारे में पूछा है और इसका उत्तर होता है रूबिस्को। रूबिस्को एक ऐसा प्रोटीन है जो एक एंजाइम है, जो पौधों को फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। आंसर, प्रोटीन्स कैरी आउट
many functions in living organisms. Some transport nutrients across cell membrane, some fight infectious organisms, some are hormones, some are enzymes, etc. As shown in table, collagen is a protein that functions as intercellular ground substance. Trypsin acts as an enzyme, insulin acts as an hormone, and various antibodies are made from proteins that fight infectious agents. Various receptors like smell, taste, or hormone receptors are made from proteins. GLUT4 is a transporter that enables glucose transport into cells. Biologists describe the protein structure at four levels. Number 1, primary structure. Number 2, secondary structure. Number 3, tertiary structure. And number 4, quaternary structure. प्रोटीन स्ट्रक्चर को फोर लेवल पे डिस्क्राइब किया जा सकता है और ये होते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर. क्वेश्चन नंबर 14. ए न्यू ड्रग इज डेवलप्ड विच सेलेक्टिवली क्लीव्स कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन टू सल्फर एटम्स ऑफ नॉन एडजेसेंट एमिनो एसिड्स इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन. Which level of protein structure in affected molecules would be most directly affected by the drug? इस क्वेश्चन में बच्चों पूछा गया है, एक ऐसी ड्रग डेवलप की गई है जो सेलेक्टिवली सल्फर एटम्स के बीच के कोवलेंट बॉन्ड्स को तोड़ती है, इससे प्रोटीन के कौन से लेवल के स्ट्रक्चर अफेक्ट होंगे? ए प्राइमरी, बी सेकेंडरी, सी टर्शियरी, डी क्वार्टरनरी. इसका आंसर है सी टर्शरी. टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स इज स्टेबलाइज्ड बाय वेरियस इंटरेक्शंस एंड फोर्सेस विद इन द फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन. डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आर यूनिक टू टर्शरी स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल बॉन्ड बिटवीन द सल्फर एटम्स ऑफ टू सिस्टीन्स इन ए प्रोटीन. Therefore, by this drug, most directly tertiary structure would be affected. बच्चों, proteins के tertiary structure में disulfide bonds बहुत important होते हैं, इसलिए ये drug directly protein के tertiary structure को affect करती है. Question number 15. Which of the following properties of a protein is least likely to be affected by changes in pH? A primary structure, B secondary, C tertiary, D net charge. इसका आंसर होगा A primary structure. Dear students, primary structure is the amino acid sequence of a protein that are linked by peptide bonds. Change in pH cannot alter amino acid sequence and it can't break peptide bonds also. बच्चों, अगर pH में change होता है तो ये proteins के primary structure को affect नहीं करती, क्योंकि primary structure में amino acids एक दूसरे से peptide bonds से जुड़े होते हैं और pH में change करने से इन peptide bonds पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसका आंसर होगा ए प्राइमरी स्ट्रक्चर. इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स अबाउट लिपिड्स आर, लिपिड्स आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड एल्कोहल. दे आर हाइड्रोफोबिक इनसोल्युबल इन वाटर. लिपिड्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप्स. सिंपल लिपिड्स जिसके उदाहरण हैं फैटी एसिड्स, फैट्स, ऑयल्स, एट्सेट्रा. नंबर 2, कंपाउंड लिपिड्स जिसके उदाहरण हैं फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, एट्सेट्रा. नंबर 3, ड्राइव्ड लिपिड्स. ड्राइव्ड लिपिड्स के उदाहरण हैं स्टीरोल्स, टर्पीन्स, एट्सेट्रा.
क्वेश्चन नंबर 16, डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। आंसर, जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में किन्हीं भी दो कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। ऐसे फैटी एसिड्स को हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में दो कार्बन एटम्स के बीच में एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और इस टाइप के फैटी एसिड्स को अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डू यू मीन बाई फॉस्फोलिपिड्स, गिव एन एग्जाम्पल। आंसर, सम लिपिड्स हैव फॉस्फोरस एंड फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन देम। दीज आर फॉस्फोलिपिड्स। दे आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। लेसिथिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉस्फोलिपिड फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। बच्चों, कुछ लिपिड्स में फॉस्फोरस या फॉस्फेट ग्रुप्स जुड़े हुए होते हैं, और इन लिपिड्स को हम फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं। ये फॉस्फोलिपिड्स सेल मेम्ब्रेन का एक पार्ट होते हैं। लेसिथिन जिसका एक एग्जाम्पल है, जो सेल मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई ड्यूरिंग विंटर सीजन कोकोनट ऑयल अकर्स इन सॉलिड फॉर्म व्हाइल अदर ऑयल्स लाइक जिंजेली ऑयल फाउंड इन लिक्विड फॉर्म। बच्चों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है, सर्दियों में नारियल का तेल जम जाता है, जबकि दूसरे तेल जैसे तिल का तेल वो तरल अवस्था में ही मौजूद रहते हैं, ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर है, ऑयल्स हैव अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड लोअर मेल्टिंग पॉइंट, एग्जाम्पल जिंजेली ऑयल, एंड हैंस रिमेन एज ऑयल इन विंटर्स, बट कोकोनट ऑयल हैव 80-90% सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। देयरफॉर कोकोनट ऑयल अकर्स इन सॉलिड फॉर्म इन विंटर सीजन। ऑयल्स में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो नारियल का तेल या कोकोनट ऑयल है उसमें 80-90% सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जिससे इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इसी कारण सर्दियों में नारियल का तेल ठोस अवस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर ड्राइड लिपिड्स, गिव टू एग्जांपल्स। आंसर, ड्राइड लिपिड्स आर ऑब्टेन्ड बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड्स। ड्राइड लिपिड्स के उदाहरण हैं कोलेस्ट्रॉल, टर्पिन्स एटसेट्रा। सम की पॉइंट्स अबाउट मोनोसैकेराइड्स आर, मोनोसैकेराइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड सिंपल सुगर, आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सुगर एंड द मोस्ट बेसिक यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। द जनरल फॉर्मूला इज CnH2nOn। मोनोसैकेराइड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डाइसैकेराइड्स सच एज सुक्रोज एंड लैक्टोज, एंड पॉलीसैकेराइड्स सच एज सेलुलोज एंड स्टार्च। मोनोसैकेराइड्स को सिंपल सुगर भी कहा जाता है, और ये सुगर की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। मोनोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स की बेसिक यूनिट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाई ग्लूकोज एक्ट्स एज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। आंसर, ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड इजीली गेट्स एब्जॉर्ब बाय द ब्लड एंड हैंस प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी। हैंस इट एक्ट्स एज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स की सबसे सिंपल फॉर्म है, जो हमारे ब्लड में आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए ये
हमें एकदम से एनर्जी या ऊर्जा प्रदान करता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट पॉलीसेकेराइड्स आर, पॉलीसेकेराइड्स आर लॉन्ग चेन्स ऑफ सुगर्स। दे आर थ्रेड्स कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स एज बिल्डिंग ब्लॉक्स। पॉलीसेकेराइड्स में सुगर्स एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं और ये सुगर्स मोनोसेकेराइड्स होती हैं जो किसी पॉलीसेकेराइड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाती हैं। इन ए पॉलीसेकेराइड द इंडिविजुअल मोनोसेकेराइड्स आर लिंक्ड बाय ए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रेशन। किसी पॉलीसेकेराइड्स में इंडिविजुअल मोनोसेकेराइड्स एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की मदद से जुड़े हुए होते हैं जो कि डिहाइड्रेशन से बनते हैं। दिस बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू कार्बन एटम्स ऑफ टू एडजेसेंट मोनोसेकेराइड्स। क्वेश्चन नंबर 21। सेलुलोज इज ए पॉलीमेरिक पॉलीसेकेराइड कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड दैट इज ग्लूकोज। हाउ दीज ग्लूकोज मोनोमर्स आर लिंक टू ईच अदर। आंसर, द ग्लूकोज मोनोमर्स इन सेलुलोज आर लिंक्ड बाई ग्लाइकोसिडिक बोन। जैसा कि हमने आपको इन पॉइंट्स में भी बताया, किसी भी पॉलीसेकेराइड में मोनोसेकेराइड यूनिट्स एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक बोन की हेल्प से जुड़ी हुई होती हैं और सेलुलोज में मोनोसेकेराइड यूनिट्स ग्लूकोज होता है और ये ग्लूकोज यूनिट्स एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की हेल्प से जुड़ी हुई होती हैं। क्वेश्चन नंबर 22। व्हाई द आयोडीन टेस्ट कैन बी यूज टू डिटेक्ट स्टार्च बट नॉट सेलुलोज। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, आयोडीन टेस्ट से हम स्टार्च को जांच सकते हैं परंतु सेलुलोज को नहीं, ऐसा क्यों? आंसर, स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। इन फैक्ट स्टार्च कैन होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल्स इन द हेलिकल पोर्शन। द स्टार्च आयोडीन इज ब्लू इन कलर। सेलुलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेस एंड हेंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन। बच्चों, स्टार्च के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हेलिकल फॉर्मेशन होती है और आयोडीन मॉलिक्यूल्स इन हेलिकल पोर्शंस में बाइंड कर सकते हैं और जो स्टार्च आयोडीन के कंपाउंड्स को ब्लू कलर प्रोवाइड करता है, जबकि सेलुलोज में इन कॉम्प्लेक्स हेलिसेस की फॉर्मेशन नहीं होती, जिस कारण हम सेलुलोज को आयोडीन टेस्ट की हेल्प से डिटेक्ट नहीं कर सकते। जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन स्टार्च की प्रेजेंस में ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हम बता सकते हैं कि दिए गए सैंपल में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं। देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स इन नेचर। दे हैव एज बिल्डिंग ब्लॉक एमिनो सुगर्स एंड केमिकली मॉडिफाइड सुगर्स। एग्जाम्पल गिवन, ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन एटसेट्रा। दीज कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स आर मोस्टली होमोपोलीमर्स। बच्चों, नेचर में और भी कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स मिलते हैं और इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स एमिनो सुगर्स या केमिकली मॉडिफाइड सुगर्स जैसे ग्लूकोसामीन एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स ज़्यादातर होमोपोलीमर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। एक्सोस्केलेटन्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स फॉर एग्जांपल कॉकरोच एंड स्कॉर्पियन हैव ए कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड कॉल्ड। ए सेलुलोज, बी काइटिन, सी ग्लाइकोजन, डी ऑल ऑफ द अबोव। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी काइटिन। डियर स्टूडेंट्स, काइटिन इज ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड।
एंड मोनोमर यूनिट्स ऑफ काइटिन इज एन एसिटाइल एमिनो ग्लूकोज। काइटिन एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होता है जिसकी मोनोमर यूनिट्स एन एसिटाइल एमिनो ग्लूकोज होती हैं, इसलिए इसका आंसर होगा बी काइटिन। क्वेश्चन नंबर 24, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेप्ट ए सेलुलोज, बी काइटिन, सी ग्लाइकोजन, डी किरेटिन। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज किरेटिन। किरेटिन इज ए स्ट्रक्चरल पॉलीमर सीन इन एनिमल्स मेड ऑफ प्रोटीन्स। सेलुलोज, काइटिन एंड ग्लाइकोजन आर कार्बोहाइड्रेट्स। बच्चों, किरेटिन एक स्ट्रक्चरल पॉलीमर होता है जो प्रोटीन्स का बना हुआ होता है, जबकि बाकी के तीन ऑप्शन जैसे सेलुलोज, काइटिन और ग्लाइकोजन ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी किरेटिन। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर, ए प्राइमरी मेटाबोलाइट इज ए काइंड ऑफ मेटाबोलाइट दैट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स इंक्लूड लैक्टिक एसिड एंड सर्टेन एमिनो एसिड्स। ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दोज प्रोसेसेस बट यूजुअली हैज एन इम्पोर्टेंट इकोलॉजिकल फंक्शन दैट इज ए रिलेशनल फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ए, दे हैव डायरेक्ट रोल इन नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बी, दे एक्ट एज टॉक्सिन्स और ड्रग्स और पिगमेंट्स। सी, डिस्ट्रीब्यूशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेशल टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स। डी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ डाइवर्स नेचर। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ए, दे हैव डायरेक्ट रोल इन नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बच्चों, जिन मेटाबोलाइट्स का रोल डायरेक्टली नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट में होता है उन्हें हम प्राइमरी मेटाबोलाइट कहते हैं, इसलिए पॉइंट ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के लिए ट्रू नहीं है, इसका आंसर होगा ए। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ऑनलाइन क्लासेस का ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू।